सुनो तो हमारी भी कोई इज्जत है। हाँ पता पता है। जा हमारी इज्जत ले लीजिए, हम वहाँ नहीं रहते। अरे हम जा रहे हैं। रुको ना, ऐसे बार बार गुस्सा नहीं करते ललन जी। आहा, रिजा जी कहाँ हुआ, इसे जल्दी जा रहे हैं कहाँ? अरे नानी मौसी नाराज हो गए हैं। है? कहाँ उतना नखा दिखाते हो है? है? अरे हमारी भी कोनो इज्जत है, जहाँ हमारी इज्जत नहीं होती विद्या रानी कसम हम वहाँ नहीं रहते, जा रहे हैं। ललन जी अरे कुछ नहीं, हम सब मिल के खाना खा रहे थे, जीजा जी भी वहीं बैठे थे, बस ये भूल गए बताना कि आप भी खाना खा लो। और क्या है ना, जब तक खा लिया ना हम लोगों ने, याद आया तब तक दही खत्म हो गया था, बस नाराज हो गए, अब दही नहीं मिला ना। अरे हमारी भी कोनो इज्जत है, बिना दही के हम खाना नहीं खाते, विद्या रानी कसम हम जा रहे हैं। बिंदुमती तुम अपने बच्चों को लेकर आ जाना, हम जा रहे हैं। अब अंदर चल भी पड़ो ना, काहे सबको टर्बल कर रहे हो, अम्मा बोलो ना। अरे ऐसा बार बार गुस्सा नहीं करते ललन जी, शांत हो जाओ। मुकुंदी बोलो गलती हो गई। अरे हमसे क्या गलती हुई है, अब मैं बोल रही हूँ ना, बोल दो गलती हो गई। ललन जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बाजार जाके आपके लिए दही ले आते हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग गुस्सा पी जाते हैं। हाँ। अब किसी ने कहा ही नहीं पीने को, आप कह रहे हैं पी जा तो पी जा। हाँ तब ठीक है पीले। हाँ। अब चलो अंदर, हम तो किसी ने कहा ही नहीं चलने को। अब चलिए चलिए ना। हाँ आप ठीक है, चलिए। आप बड़े नखरे वाले दमाल लाए हैं। एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारी अम्मा कहाँ से पकड़ के लाई है नमूना? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना। काहे? रात को इन्हीं के साथ सोना है। हाँ। काहे गुरुदेव सो काहे नहीं रहे हैं? हमको किसी ने कहा है नहीं सोने को। अरे तो सो जाइए, हम कह रहे हैं सो जाइए। कब सोते हैं? यार बंदी बाबू शाम को नहाते नहीं हो गया? अरे चुपचाप सो जाओ, नित्य रात को परेशान क्या कर रहे हैं? तुम्हारे नल में पानी नहीं आता है क्या? हमारे यहाँ दो दो नल है, एक हैंडपंप है एक टूटी वाला है। ध्यान बंद रखोगे अपनी या नहीं? इतनी रात हो रही है चैन नहीं है। यार आदमी अब मुकुंदी के मेहमानों ने कर दी है मुकुंदी की नींद हराम, अब देखते हैं क्या होगा इन मेहमानों का अंजाम, जब टूटेगा मुकुंदी के धैर्य का बांध। मुकुंदी एक काम करो, तुम पीपलगंज चले जाओ, वहाँ जो है राधे श्याम हलवाई का कचौड़ी ले। जानते डेढ़ घंटा लगता है पीपलगंज पहुँचने में। अरे कैसे दामाद हो, ललन जी को देखो, तुमसे मिलने के लिए 14 घंटे सफर करके आए और तुम डेढ़ घंटा सफर करके उनके लिए कचौड़ी नहीं ला सकते? हमने किसी ने मांगा नहीं तो आप तो कह रहे हैं दे दो। मुकुंदी बाबू खाते में लिख लेना। मुकुंदी बाबू जी, अरे आपने तो हमारी साली में एकदम से नौकरानी बना के रखा हुआ है भाई। हा? एक तो नौकरानी का नहीं रख लेते हैं, हमारे घर में दो दो नौकरानी है।